हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब होली आने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना होममेड कलर ही आपको बनाना सिखाया जाए। तो इनको हम बनाएंगे घर की ही चीजों से, तो ये केमिकल फ्री भी रहेंगे और हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं करेंगे और इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। बेस के लिए हम यूज करेंगे यहाँ मैदा। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतना मैदा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब हम लेंगे एक फूड कलर। तो यहाँ पर मैं अजंता का लेमन येलो कलर का फूड कलर ले रही हूँ। ये पाउडर फॉर्म में आता है और ये आपको किसी भी लोकल ग्रोसरी की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। कलर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमें नहीं लेनी है, थोड़ा सा ही कलर लेकर हमें मिक्स कर देना है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा कलर और मैदा दोनों अच्छे से मिलके मिक्स ना हो जाए। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम ऐड करेंगे यहाँ थोड़ा सा पानी, और हमें पानी का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है और पानी ऐड करते ही जो हमारा कलर है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और ये देखिए कुछ कुछ येलो कलर हमारा बनने लग गया है और मिक्स करते करते ये कुछ इस तरह का दिखने लगा है। पानी ऐड करने की वजह से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी टेक्निक से दूसरा कलर बना लेते हैं। और यहाँ पर बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का टेलकम पाउडर। आप चाहें तो कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, वो चाहे हिमालय हो, जॉनसन्स हो, कोई भी पाउडर हो वो आप ले सकते हैं। और जितना कलर आपको बनाना है उतना पाउडर आप ले लीजिए। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ रेड कलर का जेल फूड कलर। ये बेसिकली केक वगैरह में यूज होता है, लेकिन इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि इससे हमारा कलर कैसा बनता है। डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा वाटर लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और ये हमारा बन गया है रेड कलर। इसको भी कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और कलर के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर वाटर कलर। तो अब हम बनाएंगे ग्रीन कलर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूंगी और उसको मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए ग्रीन कलर भी हमारा कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है। अभी ये थोड़ा दानेदार दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट कलर बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ गेहूं का आटा, और कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ अगेन फूड कलर ही ले रही हूँ, जो कि मेरे पास एक ऑरेंज कलर भी है, तो इसी को मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, थोड़ा वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा कलर, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और बच्चों की स्किन के लिए तो ये और भी अच्छा है। तो इस बार बच्चे जितना मर्जी होली खेलेंगे लेकिन उनकी स्किन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब हमारे सारे कलर ड्राई हो गए हैं, तो अब हमें एक छलनी लेनी है और एक पेपर पर इनको छान लेना है और धूप में ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसके बाद आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। वो है ना इनको बनाना कितना आसान। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जब बनाना इतना आसान है तो एक बार बनाना तो बनता ही है। तो चलिए इस होली इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जिन्होंने अभी तक बेल बटन प्रेस नहीं किया है वो बेल बटन पे जाके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी आप ये कलर बनाए तो ये ध्यान रखें कि जो हमने पाउडर वाला फूड कलर यूज किया है उसका रिजल्ट ही बेस्ट आया है,
और जो हमने जेल कलर यूज किया था उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।